नमस्कार दोस्तों, क्या और कैसे में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो जी 5 प्लस के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, मोटो जी 5 प्लस की लॉन्चिंग इंडिया में हो गई है। 15 मार्च को मोटो जी 5 प्लस इंडिया में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, और इसकी जो सेल है वो फ्लिपकार्ट पे चल रही है। फ्लिपकार्ट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है फ्रेंड्स। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो इस फ़ोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा फ्रेंड्स, मतलब वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी क्लिक करके फ्लिपकार्ट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे मोटो जी 5 प्लस की लिंक पे, और वहां से आप फ़ोन को खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोटो जी 5 प्लस का डायमेंशन क्या है फ्रेंड्स, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये कितने वेरियंट पे लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, उनके प्राइस क्या हैं, और क्या ये ओवर प्राइस्ड है या प्राइस जो है वो सही है, हमें इस फ़ोन को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, और मोटो जी 4 प्लस से मोटो जी 5 प्लस पे क्या अपग्रेडेशन है फ्रेंड्स। तो अगर बात करते हैं वेरिएंट की, तो ये दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है इंडिया में फ्रेंड्स। पहला वेरिएंट जो है वो है 3GB का रैम वाला, उसमें हमें 3GB का रैम मिलता है, उसके साथ 16GB का इनबिल्ट मेमोरी मिलता है फ्रेंड्स, जिसकी प्राइस फ्लिपकार्ट पे 14,999 है, मतलब 15,000 कह सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम के साथ, जिसमें 32GB का हमें इनबिल्ट मेमोरी मिलता है, जिसकी प्राइस फ्लिपकार्ट पे 16,999 है, मतलब 17,000 कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो 3GB रैम वाला जो वेरिएंट वाला फ़ोन है फ्रेंड्स वो 15,000 में मिलता है, और 4GB रैम वाला जो फ़ोन है वो 17,000 में मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सिर्फ मेमोरी का है, रैम और इनबिल्ट मेमोरी का फ्रेंड्स, इनके अलावा दोनों वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों वेरिएंट के जो हैं वो प्रोसेसर सेम है, डिस्प्ले सेम है, रिजोल्यूशन सेम है, बैटरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो रैम में और इनबिल्ट मेमोरी में। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फोन के डायमेंशन का। तो इसका जो विड्थ है वो 74mm का, इसका हाइट जो है वो 150.2mm का, और इसका डेप्थ जो है वो 7.77mm का है, और वेट जो है इसका 155 ग्राम है फ्रेंड्स। मतलब कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और वेट भी है जो वो अच्छा है, इजी टू कैरी है, मतलब ये फ़ोन हमारे हाथों के लिए, ग्रिप के लिए अच्छा है फ्रेंड्स, स्लिम है। अगर बात करें इसके लुक का, तो फ्रंट में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए फ्रंट में कुछ इस तरह का लुक है इसका। यहाँ पे फ्रंट में हमें आगे में मिल जाता है फ्रंट कैमरा जो 5 मेगापिक्सल का है, और f2.2 की अपर्चर है उस कैमरे का। ओके फ्रेंड्स, देन डिस्प्ले है 5.2 इंच का, देन यहाँ पे हमें मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, आगे में ही फ्रंट में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है फ्रेंड्स। और अगर बात करें बैक का, तो बैक का ये लुक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह का लुक है बैक का, काफ़ी अच्छा लुक है फ्रेंड्स। तो बैक में यहाँ ऊपर में जो है सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे कैमरा है, कैमरा जो है इसका वो 12 मेगापिक्सल का है, और f/1.7 का अपर्चर है फ्रेंड्स, जबकि मोटो जी 4 प्लस पे जो कैमरा था वो 16 मेगापिक्सल का था, लेकिन यहाँ पे इस फोन पे कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का है फ्रेंड्स, और ये इनका सबसे बड़ा अपग्रेडेशन है, मतलब कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। फिर भी कंपनी का दावा है कि ये 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वैसे मोटो जी 4 प्लस के कैमरे की बात करें तो उसका भी कैमरा अच्छा था, अच्छा परफॉर्मेंस देता था, लेकिन यहाँ कंपनी का दावा है कि ये जो नया फ़ोन, इस फ़ोन का जो कैमरा है फ्रेंड्स, ये हमने बहुत मतलब मेहनत से बनाया है फ्रेंड्स, आपको अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिले, अगर आप कैमरा लवर हो फ्रेंड्स तो आप इस फ़ोन को खरीदो, इस पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा कैमरे का। तो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, जबकि पिछला वर्सन 16 मेगापिक्सल का था और इस मोटो जी 5 प्लस में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज किया गया है फ्रेंड्स, जो काफ़ी शार्पर इमेज देता है, काफ़ी अच्छा इमेज देगा, हमें जो है कैमरा का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ डुअल लेड फ्लैश का यूज किया गया है, और इसका अपर्चर जो है वो f/1.7 अपर्चर है। ओके फ्रेंड्स, तो
इससे जो है कैमरा का परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा और लो लाइट में भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ऐसा रिव्यूज आ रहा है फ्रेंड्स और कंपनी का भी दावा है। ओके फ्रेंड्स, देन हमें कैमरा के नीचे मिल जाता है यहाँ पे कंपनी का एक लोगो है फ्रेंड्स। देन अगर हम बात करें राइट साइड का, तो ऊपर में हमें वॉल्यूम अप की और डाउन की है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला फ्रेंड। देन यहाँ पे एक की है जिससे हम लोग स्क्रीन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और पावर की है, वो पावर मतलब हम लोग स्विच ऑफ भी फोन को कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन अगर बात करें नीचे बॉटम का डाउन में, तो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का जो है वो पोर्ट है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे मेन प्राइमरी जो है माइक का ग्रिल है फ्रेंड्स। देन हमें यहाँ पे मिलता है ऑडियो जैक 3.5 mm का, ओके फ्रेंड्स, उसका स्लॉट है। देन अगर हम लेफ्ट की बात करें, तो लेफ्ट में जो है वो दो स्लॉट है नैनो सिम के लिए, और एक स्लॉट जो है वो माइक्रो एसडी कार्ड के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आए हम अलग अलग यहाँ पे हमें स्लॉट मिलता है, मतलब दो नैनो सिम का यूज कर सकते हैं, एक माइक्रो एसडी कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाइब्रिड वाला ऑप्शन नहीं है कि हम एक एट ए टाइम जो है एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर पाएंगे या दो सिम ही केवल यूज कर पाएंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं है, हम दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड एट ए टाइम भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन बात करें अगर डिस्प्ले का फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5.2 इंच का डिस्प्ले है इसका, डिस्प्ले साइज काफ़ी अच्छा है, इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो फ्रेंड्स हमें थोड़ा कैरी करने में दिक्कत होने लगता है, और अगर इससे छोटा हो तो अभी जैसा जनरेशन चल रहा है फ्रेंड्स कि 5 इंच या 5.2 इंच का डिमांड है फ्रेंड्स, तो काफ़ी बेस्ट साइज है कह सकते हैं। और इसका रिजोल्यूशन जो है 1920x1080 का रिजोल्यूशन है, मतलब 1920x1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन यूज किया गया है, रिजोल्यूशन जो है वो फुल एचडी है, फुल एचडी रिजोल्यूशन मिलता है फ्रेंड्स। और अगर जीपीयू की बात करें, तो एड्रेनो 506 जो है वो 650 मेगाहर्ज का है फ्रेंड्स। और अगर डिस्प्ले टाइप की बात करें, तो आईपीएस टीएफटी डिस्प्ले का यूज किया गया है, और प्रोटेक्शन जो है इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन हमें मिलता है फ्रेंड्स। अगर ओएस की बात करें, तो मोटो जी 5 पे जो है वो एंड्रॉयड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड नोगाट 7 है इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स। और एंड्रॉयड 8 अगर रिसेंटली लॉन्च किया जाता है, तो आप उस पे अपग्रेड कर पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर प्रोसेसर का बात करें, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यूज किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिलता है इस पे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625, मतलब स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है, और कोर जो है वो ऑक्टाकोर है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 2 GHz की क्लॉक्ड स्पीड हमें मिलती है फ्रेंड्स, मतलब 2 GHz की क्लॉक्ड स्पीड पे ये जो प्रोसेसर है वो काम करता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से हमें मिलेगा, जैसा कि लग रहा है स्नैपड्रैगन 625 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ऑक्टाकोर है, 2 GHz की क्लॉक्ड स्पीड है, तो यहाँ से हमें कोई भी प्रोग्राम वगैरह में, एप्स वगैरह में लैग नहीं करेगा फ्रेंड्स, गेमिंग वगैरह का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर हम मेमोरी की बात करें स्टोरेज की, तो पहले वर्जन में 3 GB रैम है फ्रेंड्स, और 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी है, दूसरे वर्जन में 4 GB का रैम है, उस पर 32 GB का हमें इनबिल्ट मेमोरी मिलता है, लेकिन हम दोनों ही फ़ोन को एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड का यूज करके 128 GB तक। ओके फ्रेंड्स, अगर कनेक्टिविटी की बात करें, तो 2G 3G 4G इस पे है फ्रेंड्स, ब्लूटूथ जो है वो 4.2 का यूज किया गया है, NFC है, वाईफाई है, USB जो है वो OTG है, मतलब USB ऑन दी गो है, हम पेन ड्राइव लगा के प्ले कर सकते हैं, मूवी वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेटा फ्रेंड्स। ऑडियो जैक 3.5 mm का, और बैटरी की बात करें, तो 3000 mAh की बैटरी का यूज किया गया है फ्रेंड्स, 3000 mAh की बैटरी है, और जैसा कि मैंने बोला कि कैमरा जो है वो 12 MP का है फ्रेंड्स, डुअल लेड है, और एप इसका एपर्चर जो है वो f/1.7 का एपर्चर है फ्रेंड्स। अगर कैमरा को हम जूम करें, तो 8x जूम तक मिलता है फोटो खींचने के लिए फ्रेंड्स, और वीडियो के लिए 4x जूम तक मिलता है। ओके फ्रेंड्स,
तो बात रही स्पेसिफिकेशन की, तो ये इस फोन का स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है इसमें, स्नैपड्रैगन 625 ओक्टा कोर है, 2 GHz की क्लॉक्ड स्पीड भी है फ्रेंड्स, और इनबिल्ट मेमोरी साथ में एक्सटेंड करने का भी अवेलेबल है, मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 3000 mAh की बैटरी है, तो कह सकते हैं कि इस फोन का स्पेसिफिकेशन जो है स्पेक्स काफ़ी अच्छा है, और प्राइस के मामले में भी कहें तो ये फ़ोन अच्छा है फ्रेंड्स। 15000 का ये फ़ोन अगर आप लेते हो 3 GB रैम वाला, तो आपको अच्छा मतलब सब कुछ मिल जाता है फ्रेंड्स, आपको गेमिंग वगैरह का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको लैग वगैरह नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर आप कैमरा लवर हो तो भी आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अगर बात करें फ्रेंड्स प्राइस का, तो प्राइस इनका 15000 ठीक है, अगर अदर फोन से कंपैरिजन करें फ्रेंड्स तो 15000 अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी मिलती है। कैमरा जो है बहुत बेटर है इसका, इस फ़ोन का कैमरा का तुलना दूसरे फ़ोन से इस रेंज में तो आप कर ही नहीं सकते हो फ्रेंड्स। और जो है एंड्रॉयड अपग्रेड वगैरह आपको इजीली मिल जाता है, जब भी एंड्रॉयड की लेटेस्ट वर्जन आएगी आप इजीली अपग्रेड कर पाओगे, दूसरे फ़ोन में आपको में मिले ना मिले इस पे मिल रहा है फ्रेंड्स। तो आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो, डील कर सकते हो इस फ़ोन की, मेरी तो सलाह आप ले सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन जो जिन लोगों को मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, कैमरा को उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कैमरा लवर नहीं है, वो 12000-13000 में Xiaomi Redmi Note 4 को भी परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो 13000 के रेंज में है, वहाँ भी आपको अच्छा प्रोसेसर और अच्छी स्पीड मिल जाती है, कैमरा में वो इससे थोड़ा कमज़ोर है फ्रेंड्स, बट आप उसे भी परचेज कर सकते हो। लेकिन एज ए होल ये पैकेज कम्प्लीट अच्छा है फ्रेंड्स। तो आज का मेरा मोटो G5 प्लस पे आपको कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, अगर स्पेसिफिकेशन वगैरह पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।